न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और पहले ही चरण में कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। पहले ही चरण में पीलीभीत में भी मतदान होना है। जी हां, यूपी की पीलीभीत, जहां से मौजूदा समय में वरुण गांधी सांसद हैं। तो ऐसे में 19 अप्रैल को उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। राजस्थान में भूपेंद्र यादव के भाग्य का फैसला हो जाएगा तो महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर नितिन गडकरी के भाग्य का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इन सारी सीटों पर 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। और जिस तरह से वरुण गांधी का अभी सीट फाइनल नहीं हुआ है और उसके बाद तो ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर वरुण गांधी का जो राजनीतिक भाग्य है, सियासी करियर है, वो कहां जाके रुकेगा। और क्योंकि 19 अप्रैल को ही पीलीभीत में वोटिंग होनी है और अभी बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तमाम चर्चा यह भी चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का टिकट भी काट सकती है और कांग्रेस में भी वरुण गांधी जा सकते हैं, ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये तो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 19 अप्रैल को वोटिंग है और उससे बहुत कम समय पहले अब पहले चरण के लिए जो सीटों का ऐलान है, जो प्रत्याशियों का ऐलान है, क्योंकि जल्द ही नामांकन भी शुरू हो जाएगा और उससे पहले अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो भी समझिए उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। और अगर वरुण गांधी को टिकट मिल भी जाता है तो 19 अप्रैल को पीलीभीत के लोग उस अपने सांसद के भाग्य का फैसला कर लेंगे और अगर वरुण गांधी को फिर से वहां टिकट मिलता है तो उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं वो कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला पहले ही चरण के मतदान में हो जाएगा, यानी 19 अप्रैल को होने वाले वोटिंग में हो जाएगा। गौरतलब है पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। देश के 10 राज्यों की कई सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी की 8 सीटों पर भी मतदान होंगे। इसमें पीलीभीत भी शामिल है, जहां से वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं। इसी दिन वरुण गांधी के भाग्य का फैसला हो जाएगा। हालांकि अभी तक वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने फाइनल नहीं किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। आपको बता दें, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण में ही मतदान होगा। पहले चरण में देश की कई ऐसी हॉट सीटें हैं जहां बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला भी होना है। इनमें राजस्थान के बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, नागौर से ज्योति मिर्धा, बंगाल के कूचबिहार से केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, मंडला से फगन सिंह कुलस्ते, महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, त्रिपुरा की त्रिपुरा वेस्ट पर पूर्व सीएम बिप्लव देव के भाग्य का फैसला पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।